हम अपने प्रीवियस क्लासेस में न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हुए ये जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। न्यूक्लियस, जैसा कि हम इसके डेफिनेशन के द्वारा जानते हैं, कि ये डबल मैम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनल है जो कि सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उसके द्वारा ये देखा गया कि ये जो मैम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से न्यूक्लियर लेमिना या न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो कि न्यूक्लियस को एक सर्टेन शेप प्रदान करता है, वो जस्ट बेनिथ इनर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये कोशिका के लिए एक वाइटल सेल ऑर्गेनल होता है। इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके हैं अपने पुराने क्लासेस में कि जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं न्यूक्लियस के, उनके क्या-क्या फंक्शन होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर जो पोर होते हैं वो क्या काम आते हैं, इसी तरीके से न्यूक्लियोलस का क्या इम्पोर्टेंस होता है, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा क्रोमेटिन और अदर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये कुछ स्लाइड्स हैं जो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। क्रोमेटिन जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। जो टर्म क्रोमेटिन है उसका मतलब होता है कलर्ड मटेरियल। तो जो भी न्यूक्लियस होता है उसमें जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए स्टेनिंग की जाती है तो ये जो मटेरियल होता है, कौन सा, क्रोमेटिन मटेरियल, उसमें आसानी से जो स्टेन होता है उसको टेकअप करने की एबिलिटी या क्षमता होती है और इस तरीके से ये विजिबल हो जाता है। क्रोमेटिन जो होता है वो नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस जो होता है, जब सेल डिवीजन की फेज़ में नहीं होता है न्यूक्लियस, तब ये फाइन फिलामेंट्स के रूप में प्रेजेंट होता है। मेजर प्रोटीन्स जो होती हैं क्रोमेटिन की वो होती हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स स्मॉल प्रोटीन्स हैं जिनमें कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। इनका काम होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना। क्रोमेटिन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम का होता है वो किस तरीके से होता है। क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें डीएनए या डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है कंडेंस्ड फॉर्म में, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच्ड रहता है। यूकैरियोटिक जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें दो ब्रॉड कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का वो होता है न्यूक्लिक एसिड। प्राइमरीली डीएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड के साथ। सेकेंड जो बिगर कंपोनेंट होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिक पीएच वाली होती हैं, कोर हिस्टोन्स H2A, H2B, H3, NH4 टाइप की हो सकती हैं, और एक होती है लिंकर हिस्टोन्स। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। तो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम मेडअप ऑफ होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और प्रोटीन्स हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों तरीके की होती है। हिस्टोन जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए के साथ बाइंड करती है और डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। मिक्सचर ऑफ डीएनए और ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम का एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई या बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर्म करता है जिसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर क्या हो गया, डीएनए और प्रोटीन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के द्वारा अगर इंटरफेस क्रोमेटिन को हम स्टडी करें तो ये एलिप्सॉइड बीड्स के रूप में दिखाई देता है, और
ये जो इलिप्सॉइड बीड्स हैं वो आपस में डीएनए लिंकर्स के द्वारा जॉइन रहते हैं, जिनको कि न्यूक्लियोसोम्स कहा जाता है। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इसका फाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से दिखाई देगा। क्रोमेटिन जो होता है उसको दो स्पेसिफिक रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है, या डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, या विभेदित किया जा सकता है, इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज में। पहला जो एरिया होता है वो कहलाता है यूक्रोमेटिन, जो कि स्टेनिंग जब होती है, स्टेनिंग के द्वारा जब हम इसको स्टडी करते हैं, तो लाइटली स्टेन जो एरिया होगा वो यूक्रोमेटिन कहलाता है। और सेकेंड जो एरिया होता है वो होता है हेटरोक्रोमेटिन का, जो कि डेंसली स्टेन्ड एरिया होता है। पिक्चर में ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब जो यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन है, उन एरियाज़ में क्या हम अंतर कर सकते हैं, उसको स्टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड रीजन्स होते हैं, जबकि हेटरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड रीजन्स के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। यूक्रोमेटिन लेस टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं और इसीलिए नॉन कंडेंस्ड होते हैं, जबकि हेटरोक्रोमेटिन जो है वो हाईली कंडेंस्ड पार्टिकल क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा नॉट विजिबल होता है, नहीं, नॉन विजिबल होता है, और इसमें लगातार मॉर्फोलॉजी के में अंतर आता रहता है जब भी सेल डिविजन होता है तब। हेटरोक्रोमेटिन होता है वो स्पष्ट रूप से अपने को दिखाई देता है, हाईली कंडेंस्ड रहता है सभी सेल स्टेजेस पर। यूक्रोमेटिन में जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए जब भी सेल डिविजन होता है तो मॉर्फोलॉजिकली ये चेंज होता रहता है। हेटरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन से बना हुआ रहता है, या तो इस पर जीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और या फिर ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सप्रेस्ड नहीं होते हैं। ड्यूरिंग एस फेज जो होती है उसमें यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट होता है, जबकि जो एस फेज की सिंथेटिक फेज जो होती है उसकी लेटर स्टेजेस पर हेटरोक्रोमेटिन रेप्लिकेट होता है। यूक्रोमेटिन जी सी रिच होता है और ये एटी यानी एडेनिन और थायमिन रिच होता है। क्रोमोसोम के फंक्शंस की अगर बात करी जाए तो किसी भी कोशिका की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का काम क्रोमोसोम्स करते हैं। क्रोमोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हो रहे हैं, वो क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशंस को संजो के रखते हैं। इंफॉर्मेशंस के लिए जो सेंटर्स होते हैं वो ये जीन्स ही होते हैं। तो इस तरीके से जो भी जेनेटिक इनहेरिटेंस है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी क्रोमोसोम्स के द्वारा कंट्रोल होती है। क्रोमोसोम के फंक्शंस जो होते हैं, साथ में जो न्यूक्लियस है उसके भी, तो जो न्यूक्लियस है वो कमांड सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ है कि कौन से प्रोटीन्स बनेंगे, कब बनेंगे, किस तरीके के जो रिक्वायरमेंट है सेल की, उसके आधार पर जो प्रोटीन्स का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है वो रेगुलेट होता है न्यूक्लियस के द्वारा। इसी तरीके से जो जेनेटिक मटीरियल है उन जेनेटिक मटीरियल को कंटेन करने का काम भी, तो जो इनहेरिटेंस है उससे रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं वो भी न्यूक्लियस के द्वारा ही रेगुलेट होते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियस को कमांड सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। जो भी कोशिका की कार्यविधि होती है उसको रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियस होता है। सेल में जितने तरीके के प्रोटीन्स का निर्माण होता है वो भी न्यूक्लियस का ही फंक्शन होता है। जो भी सेल में प्रोटीन बनेंगे उनको ट्रांसक्राइब करने का काम न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट डीएनए होता है उसके द्वारा होता है। डीएनए जो है वो दूसरे जेनेटिक मॉलिक्यूल्स के साथ इम्पॉर्टेंट होता है सेल के लिए। डीएनए
या डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, सिग्नल्स होते हैं, कोड्स होते हैं, वो डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी एंजाइम्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं, वो भी यहीं से इनकॉर्पोरेट होते हैं। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस में स्टोर की जाती है, और ये सब मिला के हॉर्मोन्स हैं, चाहे एंजाइम्स हैं या फिर डीएनए है, ये सब मिला के क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए डुप्लीकेशन साइट है, और जो डीएनए डुप्लीकेशन है उसका इम्पॉर्टेंट फीचर कब काम आता है, जब सेल डिवाइड होती है माइटोटिकली। तो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है माइटोसिस, उस समय पर डीएनए डुप्लीकेशन होता है। इसी तरीके से जब मियोसिस होता है तो रिप्रोडक्शन के समय भी सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है उस समय डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। प्रोटीन्स और सेल रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें भी न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के जो भी फंक्शंस होते हैं और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे कि सेल को हेल्दी और अलाइव रखा जाए। तो जो भी रिपेयरिंग प्रोसेस है, ग्रोथ प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, उन सब में न्यूक्लियस इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस है, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म है, उससे रिलेटेड जो भी सिंथेसिस है उन सब को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस राइबोसोम के सिक्रीशन को, जो कि न्यूक्लियोलस में निर्मित होते हैं, राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है, केंद्रिका इसको कहा जाता है, न्यूक्लियोलस को, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन की साइट्स भी हैं। थैंक यू।